नमस्कार, आप देख रहे हैं अंग न्यूज रफ्तार और मैं हूं सत्यपाल सिंह। राष्ट्रीय कैडेट कोर का 75वां वर्षगांठ पर हुए कई कार्यक्रम आयोजित। भारतीय सशस्त्र बलों की युवा शाखा और दुनिया का सबसे बड़ा वर्दीधारी युवा संगठन राष्ट्रीय कैडेट कोर का आज 75वां वर्षगांठ मनाया गया। यह कार्यक्रम भागलपुर के सैंडिस कंपाउंड में मनाया गया। कार्यक्रम का विधिवत उद्घाटन ब्रिगेडियर उदय जापानी ने दीप प्रज्वलित कर किया। उसके बाद रक्तदान शिविर कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस शिविर का भी उद्घाटन फीता काट कर ब्रिगेडियर उदय जापानी ही किया। इस 75वें एनसीसी डे के उपलक्ष्य पर कार्यक्रम में उपस्थित लोगों ने रक्तदान शिविर में अपना योगदान देकर रक्तदान किया। वहीं एनसीसी के कैडेटों ने एक से बढ़कर एक सांस्कृतिक कार्यक्रम की भी प्रस्तुति दी। इस कार्यक्रम के दौरान 23 बिहार बटालियन, 2 गर्ल्स बटालियन, 4 बिहार बटालियन और 3 सिंगल कंपनी ने अपना योगदान दिया। कार्यक्रम के दौरान ब्रिगेडियर उदय जावा के अलावे कर्नल जयप्रकाश जगदाले, कर्नल राजवीर सिंह, डिप्टी कमांडर विनोद शेखावत, कर्नल विनोद शेखावत, कर्नल लोहानी, कर्नल सुनील रावत के अलावे दर्जनों पदाधिकारी एवं एनसीसी के कैडेट उपस्थित थे। 75वां एनसीसी डे मनाया गया, जो कि जितने भी एनसीसी के छात्रा और छात्राएं आए थे उन्होंने बहुत ही बढ़िया तरीके से इसका गार्ड ऑफ ऑनरिंग किया, जिसमें ब्रिगेडियर विदय जावा साहब थे, कर्नल राजवीर साहब थे और अन्य पदाधिकारी थे बटालियन के। क्या कार्यक्रम आयोजित की गई सर? हाँ, जो आज के कार्यक्रम में मेन बच्चों का मनोबल ऊंचा रखने के लिए कुछ भक्ति संगीत करा दिया, कुछ नाट्य संगीत करा दिया था और कुछ बच्चों ने स्पीच दिया, कुछ बच्चों को सम्मानित भी किया, कम्युनिकेशन कार्ड से प्रमोशन वगैरह दिलवाया था और साथ में ही बच्चों ने ब्लड डोनेट भी किया, जो कि आज का ब्लड डोनेट का हमारा टारगेट 130-150 है एनसीसी कैडेट, एनओ और आर्मी के पीआई स्टाफ।